राम राम सभी को। दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र। आज मैंने ये आउटलाइन बनाई है तो एनिमल की है, गोल्फ की। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और आज हम इस पे शेड करने वाले हैं। शेड करेंगे चारकोल पेंसिल से। चारकोल पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क होती है और फिर एनिमल के हेयर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब छोटे छोटे हेयर और मतलब इतने सारे वो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो हम लोग उसी पे काम करेंगे और चारकोल पेंसिल से ही और ग्रेफाइट पेंसिल से भी हम लोग शेड करेंगे। शेड आप लोग आराम से देखना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मतलब चीज़ों को समझा सकूँ जितना मेरे को आता है उसी बेस पे। और अगर फिर भी वीडियो के दौरान मैं जो भी बताऊँगा अगर कुछ चीज़ छूट जाए, अगर कुछ रह गई क्या, अब तो मैं बताना भूल जाऊँ और आप लोगों को लगे कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई है, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए और अगर आप लोग कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग चाहें कि मैं दोबारा भी आप लोगों के स्क्रीन पे आऊँ तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद। चलो अपना शेडिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लाइंस है, मतलब फेस में जो लाइन लगाई है, जो डार्क वाली लाइन है, उनको मैं चारकोल पेंसिल से डार्क कर दूंगा। सभी लाइंस को डार्क करने के बाद फिर शेड वगैरह करके उन पे ब्लेंड कर देंगे। तो वीडियो मैंने यहाँ पर फास्ट कर दिया और बना देते हैं अपनी लाइन से डार्क, मतलब जितनी भी लाइन है उन सभी को डार्क कर देंगे। तो सभी लाइंस को डार्क करके अभी मैंने ले लिया 4B पेंसिल ग्रेफाइट वाली। और जिस डायरेक्शन में बाल जा रहे हैं एनिमल के, उसी डायरेक्शन में हम पेंसिल को चलाएंगे धीरे धीरे। एनिमल के पूरे फेस पे 4B पेंसिल ग्रेफाइट वाली से शेड करके अभी मैंने जिस डायरेक्शन में पेंसिल को चलाया था उसी डायरेक्शन में ये बर्ड से ब्लेंड कर दूंगा। ब्लेंड करने से ये रहेगा कि जैसे जो लाइंस हैं बीच में वाइट और पेंसिल वाली, और जो बीच में वाइट रह जाता है वो, तो वो सब एक लेवल में आ जाएगा, ताकि जब हम हेयर बनाएंगे दोबारा से जो भी इसके ऊपर और भी लेयर्स लगाई जाएंगी तो वहाँ पे ज़्यादा डार्क और ज़्यादा वाइट ना दिखे, मतलब एक बहुत अच्छा दिखे। तो इसके लिए हमें थोड़ा ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेंसिल चलाते हैं ना तो उसमें पेज का पीछे वाला जो वाइट एरिया वो दिखता है, तो इससे वाइट और पेंसिल वाला दोनों एरिया कवर हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग तो मैंने कर दिया है। अभी मैं चारकोल की डार्क पेंसिल लेके आया हूँ और जिस डायरेक्शन में रेफरेंस फोटो के जो हेयर दिख रहे हैं एनिमल के, तो मैं उसी डायरेक्शन में ये चारकोल पेंसिल से मतलब लाइंस लगाना स्टार्ट करूँगा, लाइंस खींचूँगा। और ये बहुत ही पेशेंस रख के काम करना है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से हम कुछ भी कर देंगे। जो भी रेफरेंस फ़ोटो में दिख रहा है वैसे ही हम लोगों को कोशिश करना है कि उसी डायरेक्शन में हमारी पेंसिल भी चलाई जाए जिस डायरेक्शन में रेफरेंस फ़ोटो के हेयर्स दिख रहे हैं।
तो एनिमल के हेयर की जो सेकंड लेयर थी मैंने अभी चारकोल पेंसिल से की है, तो अभी मैं सेकंड लेयर को फिर से ब्लेंड कर देता हूँ ताकि जो वाइट एरिया है ज़्यादा वो ना दिखे। तो अभी तक दो लेयर लगा के मैंने ब्लेंड कर दिया है, और अभी जो मुंह के अंदर की जो डिटेल है उनको हम फिल कर लेते हैं। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे, और ये इसलिए कर रहे हैं पहले कि ताकि हमें थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि हेयर पे कितनी शेड और करनी है, मतलब एक दो लेयर और लगानी होगी तो वो भी लगा देंगे। तो ये जो फेस है उसको थोड़ा सा कंप्लीट करके तब हमें आइडिया होगा, तो पहले हम फेस को कवर कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क करना है, और जहाँ से थोड़ा वाइट एरिया दिख रहा है वहाँ पे हम लोग वाइट एरिया को छोड़ देंगे। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के धीरे धीरे हम डार्क करेंगे, और डार्क मैं चारकोल पेंसिल से ही कर रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस फोटो में बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसी हिसाब से एक मतलब अच्छा लुक आने के लिए तो पेंसिल को शार्प भी किया है, और धीरे धीरे हम इसको डार्क करेंगे जहाँ से ज़्यादा डार्क है। तो रेफरेंस फ़ोटो को देख के डिटेल्स को बनाना है, और ज़्यादा तो आप लोग तभी सीख पाओगे जब हर रोज़ कम से कम प्रैक्टिस करोगे। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि कहाँ से वैल्यू को उठाना है, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क है या कहाँ से ज़्यादा लाइट है, तो वो वहीं से देख के धीरे धीरे हम चीज़ों को करते चलेंगे, तो अपने आप हमारे पेज पे वो चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी जो हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होगी, और सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होता, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। फेस की डिटेल बनाने के बाद मैंने फिर से चारकोल पेंसिल ले लिया, तो अभी चारकोल पेंसिल से फिर से फेस पे हम फेस पर भी हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा एरिया डार्क है वहाँ पे हम लोग डार्क करेंगे, और यहाँ पर भी आराम से करना है, और हेयर्स वगैरह जहाँ पे डार्क है वहाँ हम ये चारकोल पेंसिल से ही डार्क करेंगे। तो हेयर्स की एक और लेयर लगा के हम लोग अभी एनिमल जी के फेस को ड्रॉ करेंगे। फेस मतलब मुंह के अंदर जो जीभ है उनकी, एनिमल जी की वो जीभ हम लोग अभी बनाएंगे। तो जीभ थोड़ी लाइट भी दिख रही है और डार्क भी दिख रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 4B पेंसिल ही ले लिया, और जहाँ से थोड़ा सा डार्क है तो वहाँ हम लोग चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी मतलब फेस के अंदर की मुंह की डिटेल जो है वो दिखती रहे, और जो दांत है थोड़ा उनको भी हम लोग डार्क करके
और जहाँ से जीप पे हम लोगों को ज़्यादा डार्क दिखेगा वहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा डार्क करके छोड़ देंगे ताकि जीप भी हमारे एनिमल जी की दिखे। तो अभी चारकोल पेंसिल से ही हम हमारे एनिमल जी की आँख को बना लेंगे। तो आँख में भी वैसे ही करना है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ से डार्क कर देंगे और जहाँ पर लाइट एरिया है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि पेज पहले से ही वाइट है तो लाइट एरिया बहुत अच्छे से दिखेगा, बस हमें डार्क एरिया कवर करना है। तो अब हम हमारे एनिमल जी की नाक बनाएंगे। नाक में भी वही करना है, रेफरेंस फ़ोटो में जहाँ से हमें ज़्यादा डार्क दिखे तो हमें वहीं से ज़्यादा डार्क कर देना है और जहाँ से लाइट दिख रहा है वहाँ पर हम लोग लाइट छोड़ देंगे, तो हमारे एनिमल जी की नाक भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा स्केच लगभग तैयार हो ही गया है, और मुझे आता तो बहुत कुछ है स्केच में, पर शायद हो सकता है मेरे बताने में कुछ फ़र्क हो, तो अगर कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हमारा स्केच लगभग कंप्लीट हो ही गया, आप लोग लाइक करके जाना। धन्यवाद।